नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। दिल्ली में विशेष रूप से कोविड-19 के रोगियों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि साफ सुथरे मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता और कम हवादार कमरों में रहा जाता है तो यह समस्या हो सकती है। वही कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इन बातों को प्रमाणित करने के लिए कोई क्लिनिकल साक्ष्य नहीं है। दिल्ली के अनेक प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा है कि वहां कई ऐसे रोगी कोविड और गैर कोविड दोनों आए हैं जो ब्लैक फंगस से संक्रमित थे और जिनका लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनने जैसे कम स्वच्छता वाले तरीकों को अपनाने का इतिहास रहा है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ENT विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश सिंह नारुका ने कहा कि ब्लैक फंगस की मुख्य वजह स्टेरॉइड का अनुचित तरीके से इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि मैं लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनने या कम हवादार कमरों मसलन तलघर में रहने जैसे तरीकों को जिम्मेदार मानता हूं। ब्लैक फंगस के मामलों का बढ़ना भारत में कई राज्यों में जारी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को उसे महामारी के तौर पर घोषित करने को कहा है। इस बीच व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामलों का पता बिहार में पटना में चला है। गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट फंगस संक्रमण के 4 मरीजों में से एक पटना के मशहूर डॉक्टर हैं। कई मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसका सबूत नहीं मिला है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में फैल रहा है और न ही यह पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्यों खतरनाक बताया जा रहा है। CDC के मुताबिक व्हाइट फंगस का संक्रमण मुख्य रूप से उस जगह निर्भर करता है जहां शरीर में फंगस बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि ब्लैक फंगस के विपरीत व्हाइट फंगस ज्यादा आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट, प्राइवेट पार्ट्स और यहां तक कि नाखूनों तक फैल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।